छोड़ के मेरे पास आओ तो क्या पति को जहर दे के जाओगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं कहते। फिर कैसे कहते हैं? वो तो यही कहते जो आप कह रहे हो कि घर में ही सब भगवान है, पहले यहाँ से सबसे प्रेम, फिर तुम आगे जाओ। सत्संग क्यों बुलाते? सत्संग में तो हम अपने जैसे लगाते हैं, जैसे शिविर लग रहे हैं या फिर जगह जगह सत्संग होता है, एक एक दो घंटे से। मैं फिर कह रहा हूँ कितने शिविर कर लिए आपने, कितने शिविर करे? अभी तक एक भी शिविर नहीं करा मैंने। एक भी शिविर नहीं किया, इतने साल से बातें सुन रही है। ये सब भेजने वाले या फिर मेरी अंदर से ही, मेरे अंदर ही कमी होगी जब मैं निकल नहीं पा रही हूँ घर से बाहर। तो आप अपनी कमी ये जानिए कि आपको जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं जा रही, छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। भगवान जी से बोलिए टाटा बाय बाय, हमारा आपका एग्रीमेंट नहीं चलेगा। ये थोड़ा देखो माँ, ये सारी बातें समझने की है। असल में ये भी आपका मन है जो बड़ी अच्छी बातें करता है कि मैं ही दोषी हूँ, लेकिन दोष दिखाओ तो मानता भी नहीं। आप दोषी हो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप ही दोषी हो, तो छोड़ो खत्म करो बात ना। जबरदस्ती सबको निभाते आ रहे 50-60 तरीके के, भगवान रख लिए थे वो आप तक नहीं छोड़े गए, आप गुरु को कैसे छोड़ोगे? आपकी तो आदत है सब चीज बचाने की। नहीं वो तो छूट गए भगवान, तो छूट गए भगवान, क्यों रखे हुए फिर वहां? वो मैंने आपसे बताया ना कि ये हाथ जोड़ते थे, अभी ये भी नहीं जोड़ते। आप हट जाएंगे फिर उनको तिलक करो, उनको बोलो जाओ। अब अंदर से नहीं आती उनको सिरा दो वगैरह, बल्कि चिंतपूर्णी मंदिर है ना वहाँ पर, तो मैं उसके वहां से निकल के जाती हूँ ना, तो अंदर से नहीं होता कि सजदा करूँ, मतलब सिर झुकाऊ, अंदर से भाव यही आता है कि तू कहाँ नहीं है, कहाँ सिर झुकाऊ, फिर इसी मंदिर में थोड़ी ना बैठा है। और मैंने बहुत तपस्या करी वहाँ पे, बहुत मंदिर जाती थी, जल चढ़ाती थी। अब यहीं पे मैं पकड़ लूंगा। हाँ पकड़ो, जब आपको ये लग जाए कि वो कहाँ नहीं है, तो फिर आपको सब जगह सर झुका लेना चाहिए। सही बात है। जब आपको ये लग गया कि वो सब जगह है, तो सब जगह सर झुकता क्यों नहीं, फिर एक खास जगह क्यों झुक रहा है? अहंकार नहीं है, ये नासमझियां है, ये सिर्फ दिमाग की कौतूहल है और कुछ नहीं है, ना ये नासमझी है ना कुछ, सिर्फ दिमाग के कौतूहल है। जैसे आदमी बैठा हुआ अपने आप पजल अपना करता रहे, बिल्कुल वही बात हो गई। मकर जाल कहते हैं, किसे सुना मकर जाल क्या होता है? मकड़ी, एक मकड़ी होती है जो जब चलती है तो बिना जाला छोड़े नहीं चल सकती, तो जब वो इधर से उधर जाती है तब जाला छोड़ती है, फिर उधर से इधर आती है तो जाल छोड़ती है, फिर ऐसे करके वो जाल छोड़ती रहती है, कभी कभी उसमें फंस जाती है। तो उसको किसी ने नहीं कुछ किया, उसने खुद ही अपनी जिंदगी को फांस लिया, ये मकर जाल है। हम सब अपने दिमाग में यात्रा करते थे परमात्मा सब कुछ, फिर कहते नहीं परमात्मा कहते हैं घर सब कुछ, फिर घर में जब रहते हैं तो कहते हैं थोड़ा परमात्मा का ध्यान करो, इसलिए मंदिर सब कुछ, मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं जीवित गुरु नहीं मिलेगा इसलिए गुरु जी भी एक बना लो। तो पता लगा इधर से इधर जा जाके पता लगा मकर जाल बोल लिया, कुछ नहीं हुआ, सब छोड़ो, ये सब गलत है। मैं आपको कहूंगा ये सब सारी चीजें गड़बड़ कर दी, हौच पौच हो गया। जब इंसान झाड़ू लगाता है तो वो ऐसा नहीं करता फेंक फेंक के झाड़ू नहीं लगाता, बाह फेंक दी, वो दूर जो कूड़ा दिख रहा बाह फेंक दी, वो जहां होता है वहां से साफ करता है। सबसे पहले अपने घर से शुरू करो क्योंकि वहां आप हो। सबसे पहले इंसान को कहा जाता है कि तुम्हारा शरीर मंदिर है तो शरीर को साफ करो, उसके बाद घर गंदा है तो घर को साफ करो, तो देखो वहां व्यर्थ क्या क्या है उसे हटा के फेंको। मैं फिर कह रहा हूँ फेंको, आपके घर में अगर मैं हूं ना, मैं अभी तक 70% चीजें फेंक चुका हूँ। सच बता रहा हूँ, 70% चीजें फेंक दूं हटा के वहां से। इसको तो झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है एक दिन भी। यही चीजें आप निकट आनंदित हो जाओ ना, बहुत अच्छा लगेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम लोग यहाँ कहीं नहीं जाना चाहते, हमें अब इतना मजा आ रहा है, हम लोगों को कहीं जाने नहीं चाहते, घर के सर सर में नजर आता है भाई, पूरा मजा यही होता है। हम तो मजा बांटने निकलते हैं, हम मजा लेने नहीं निकलते। अभी हमारी कंडीशंस का मतलब है कि मजा लेने जा रहे हैं। यस हाँ, सोच रहे वहां थोड़ा मजा ले आए, इससे भटकाव आता है। आपको दिख रहा है बाहर है, इससे भटकाव आता है, आप निकट नहीं देखते। आप अपने घर में रोते हो गंदगी फैली हुई है, भगवान जी क्या बड़ा हमारा साफ रहता, तो भगवान जी क्या साफ रहता, तुम्हारे गंदगी तुम जिम्मेदार नहीं मानते अपने को, साफ करो।
हमने कल यही बात अपनी माँ को भी कही, हमारे यहाँ भी कुछ इस प्रकार का चलता था, हमने कल अपने बच्चे से भी कही, हमने अपनी बेटी से भी कही, हमने कहा कल मैं आ रहा हूँ और मैं चाहूंगा तू वहां से कूड़ा फेंक सब। उसने कहा बाबा नहीं फेंकने देंगे ये लोग। हमने कहा क्यों? कह रहे कि उस दिन दादी से मैंने कहा था आपकी बात सुनने के बाद, तो दादी कह रही थी वो बेच देंगे, एक आदमी है खरीदने वाला खरीद लेगा। हमने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, उतने पैसे मैं दूंगा, फेंक दूंगा, उतने पैसे मुझसे लो लेकिन फेंक दो इसको, ये मत रखो। समझना चाहिए कि हम कहां भूल कर रहे हैं, हमारी सारी ऊर्जा घर को ही व्यवस्थित करने में लगी, फिर हम आनंद के लिए बाहर भागते हैं। अरे अपने वहीं फैलाओ, फैला सकते हो, लेकिन आप कहोगे वो कारण है, ये कारण है, ये कारण है, दुनिया भर का कारण। हम कहते हैं अपने कमरे में बैठ जाओ, अपना कमरा तो साफ कर लो, या आपकी बेटी है इसने अपना कमरा तो साफ कर रखा, अपने तो वहां बना बनो के चित्र लगा रखे, कहते हैं देखा तो वहां चित्र लगे हुए। अरे मैं वही कह रहा हूँ, तो अपने में करो ना, अपने को सुधारो, लेना देना क्या वो सुधरे नहीं सुधरे, जितने हिस्से में हम बैठते हैं वो जितने मेरा अधिकार क्षेत्र उतने तो सुधार सकते हैं, फिर बाकी के जगत से आप छोड़ो, होगा नहीं रहने दो। सारी दुनिया में घूमने दिया, बेडशीट तक एक सही नहीं कर पाते। वही मैं कह रहा हूँ, अपना साफ करो, अपना हिस्सा साफ करो, जितने हिस्से आनंद वही है आपकी। कहीं आप वो सोचो भगवान जी क्या मैं जाती हूँ किसी दिन एप्लीकेशन मेरी पास हो जाएगी, फिर अचानक जो है मेरा घर वहां बिल्कुल बड़ा बन जाएगा, ये बिगड़ पड़ा है, इतने दिन से जा रही थी मांग रही थी, ट्राई कर लेती कम से कम, इसमें भी क्या गड़बड़, कभी कभी ट्राई कर लेना चाहिए। मैं बहुत जल्दी ट्राई करता हूँ, आपको भी मैं राय दूंगा, मैं आपको सच बताऊंगा, मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं स्वामी जी बुरा वक्त कभी हो या कोई कोई जरूरत हो बताइएगा, मैं तुरंत बता देता हूँ, मैं कहता हूँ तुरंत ही है 50,000 दे जा। ऐसा कहने में बहुत लोग भाग जाते हैं, 70% लोग भाग जाते हैं, और मैं कहता हूँ अच्छा हुआ, अब जो बचे हैं वो वही हैं जिन्होंने दिया था और जो कभी को दे भी सकते हैं। तुम जैसे मूर्खों के उसमें रहे कि आश्वासन दे देते हैं, हम आश्वासन में जी रहे, तो उसी प्रकार अपने भगवानों को भी ट्राई मार लो, कौन पूरा करता नहीं हो, जो ना करे उसे हटाओ। हाँ सीधे से जैसे पीके पिक्चर देखी थी इतनी अच्छी लगी, उन्हें भगवानों को सामने बैठा लो, उन्हें कहा आज आपसे ट्राई कर रहे हैं भगवान जी, कल मेरा ये लॉटरी निकल लीजिए 2 रुपए के लेके आई हूँ, नहीं निकली उन्हें कहा तुम जाओ ऐसे करके 15 दिन में सब मैदान साफ, ट्राई करो भगवानों को ट्राई करो, और जब भगवान से काम बन जाए अगले दिन बड़ी लॉटरी खरीद लो, बड़ी भगवान की मूर्ति का और तेरी मूर्ति भी बड़ी और तेरा भी लॉटरी बढ़ गई, लॉटरी का पैसा ही बढ़। कहने को मेरी बात बड़ी मजाकपूर्ण है, व्यर्थ है, लेकिन थोड़ा समझिएगा, ये आपको निर्भर कर देगी, उम्मीदों से निर्भर कर देगी, उम्मीदें तो तभी होती है कहीं ना कहीं, और जिसको आप तलाशती घूम रही हो वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ प्रेम है। एक स्त्री की स्थिति नदी की तरह होती है, नदी के सारे नाम जो है वो गंगा जमुना सरस्वती रखे गए, भीम सिंह भैरव सिंह ऐसे नहीं रखे गए, वो स्त्री है, स्त्री तिरोहित हो जाना चाहती है, स्त्री सागर में डुबकी लगा देना चाहती है, तो स्त्री जैसे बनो ना, आप भीम सिंह जैसे क्यों बन रहे हो? तो छोटी सी बेल भी चाहती है कि एक तना मिल जाए जिससे मैं लपट के आगे बढ़ जाऊं, और तना आपका हाफ पार्ट होता है, उसके साथ आप समय नहीं देते। हो सकता है, मैं ये सामाजिक भूले मानता हूं कि कभी को ये भी समय ना दे पाते हो, इन्होंने ना दिए हो, कारण ये भी हो सकते हैं, लेकिन वो सामाजिक भूल का हिस्से हैं। लेकिन जिस प्रकार हम सुधार की उम्मीद कभी भी होती है, तो जो मूवमेंट मिले उसे जीना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि 50-60 साल की उम्र के आसपास दोनों की स्थितियों में अंतर आता है, स्त्री धीरे धीरे पुरुष होने लग जाती दिमाग से, और पुरुष धीरे धीरे स्त्री होने लग जाता है। वो बहुत अच्छा मूवमेंट होता है कि दोनों समझ सकते हैं कि हमसे भूले कहां हूं, फिर से एक जर्नी स्टार्ट हो सकती है, फिर से एक दूसरे के साथ वो चीजें हो सकती हैं जो हमारे प्लेजर को बढ़ाएं। मैंने अपने माता पिता के अंदर ये चीज देखी, इसको बिल्कुल अदरवाइज ना समझा जाए, मैंने अपने माता पिता को देखा, उन्होंने
जब तक मैंने उनको देखा, मैंने कभी नहीं देखा कि वो लोग अलग रहे हो, अलग सो रहे हो। वो अपने अपने एक ही साथ रहते थे, उनका अपना प्लेजर था। वो बुढ़े बुढ़िया साथ नहीं छोड़ते थे, लड़ सब लेते थे लेकिन वो बुढ़े बुढ़िया साथ नहीं छोड़ते थे। गजब की बात है। आप पता चला एक भगवान को छोड़ के वो भगवान जी के पास भागे पड़े, 6 घंटे रोज खराब हो रहे हैं आजकल आपके। अगर आप 8-6 घंटे जॉब कर ले तब भी 10-15 हजार रुपए मिलेंगे। माँ थोड़ा चिंतन करें, आप मेरी मान के देखें, गारंटी से कह रहा हूँ, मान के देखें। एक बार भगवान जी हटाए, माफी मांग लीजिएगा, बाद में कान पकड़ के उठक बैठक कर लीजिएगा। एक बार सब हटाए, एक हफ्ते के लिए आप दोनों आए, एक हफ्ते के लिए। और कुछ शैली है जिन्हें देखना जरूरी है जीवन की, उनको देखें कि ये भी एक ढंग हो सकता है नाच के गा के आनंदित होके भी चला जा सकता है। और सिंपल सहज बिना किसी कर्म कांड के, लेकिन करना पड़ता है। इतना किया, एक बार और से। मैं वो भगवान नहीं हूँ जो कह रहा हूँ आपके वहां जो थोड़ी थोड़ी जगह दे दो, मैं तो वो हूँ पूरे बैठ जाऊं, खुद ही गिरा दूंगा बाकी भगवान। इसी से सब घर वाले ही डरा देते हैं ना इससे। थोड़ा समझना चाहिए मां कि 6 घंटे आपकी जिंदगी के आप पूजा पाठ में बिता देते हो, और पूजा पाठ में आपके भगवान भी यही सिखाते हैं कि सब कुछ घर में है, तो सोचो कहीं तो भूल हो गई। आप खुद भगवान जी का कहना नहीं मान रहे, मान लो कहना अच्छा भगवान जी टाटा आपका कहना मान लिया, कल जब नहीं आते नहीं फायदा करना है। तो इसलिए थोड़ा सा आपसे इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप उस रास्ते पे 2 कदम बढ़ा चुके हो, और कहीं ना कहीं इतना करने के बाद अंदर आपको है कि अभी भी सब कमी ही कमी है, कुछ नहीं है। जैसा सुना था जैसे बढ़ गए थे वो कुछ भी नहीं मिला, कुछ खाली है। मृग मरीज का जैसी हालत थी, तो मृग मरीज का की हालत इसलिए है क्योंकि हमारे विजन में गड़बड़ है। 3D फिल्म को देखने के लिए चश्मा चाहिए होता है। विजन देखने से 3D फिल्म होती है। दृष्टि, हाँ दृष्टि, जैसे 3D फिल्म होती है उसे देखने के लिए चश्मा चाहिए होता है। वो चश्मा ना हो तो धुंधली नजर आती है। भगवान को समझना हो तो भगवत्ता को समझना पड़ता है। ईश्वर को जानना हो तो ऐश्वर्य से जाना जा सकता है। खुदा को समझना हो तो खुदाई चाहिए। गॉड को समझना हो तो जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, इन तीनों चीजों के जोर से समझा जा सकता है। तो हर चीज को पहचानने के लिए एक टूल होता है, उसी प्रकार स्वयं को भी पहचानने के लिए टूल होता है। उस टूल से गुजरना पड़ेगा तब हम अपनी पहचान कर पाएंगे। वो टूल से आप नहीं गुजरना चाहते, वो टूल से या तो आपको किसी ने उससे गुजारा नहीं। अच्छे बीजों से कुछ नहीं होगा, अच्छी भूमि से सब कुछ हो जाएगा। अच्छी भूमि कुछ भी ना उगाती, वो घास तो उगाई देती, लेकिन अच्छे बीज को अगर भूमि ना मिले तो घास भी नहीं उगाते। वो तो सड़ते हैं और बदबू देते हैं, बंजर हो जाती है। अच्छे बीजों से एक समय बाद केवल बदबू उड़ सकती है, वो सड़ जाएंगे और सड़ रहे। यही लगातार मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अच्छे बीज सड़ गए और सब व्यर्थता ही व्यर्थता है। कहीं ना कहीं भूल है, भूमि नहीं ली थी। तो इतनी सी बात है, ज्यादा क्या कहना, समझ में आ जाएगी तो अच्छी। आपके आप जैसे मैं इस योग्य हूँ, कौन नहीं है कौन नहीं है थोड़ा सा तो फिर समझिए। हाँ। योग्य सब हैं, सब योग्य सब हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करें उन चीजों को। हम क्या इम्प्लीमेंट नहीं करें, योग्यता हमारी है वो ऐसी फोकट में स्वीकार कर लो। आपको बताएं, लोग कहते हैं परमात्मा बड़ा दयालु है, और मैं कहता हूं परमात्मा बहुत टेक्निकल है। वो बिल्कुल परफेक्ट चाहता है। आप मैं कल एक स्त्री से बात करते हुए कह रहा था, मैंने कहा एक बात बता, तू चाहती है कि तेरी कमियों के बावजूद भी तुझे आनंद मिले, परमात्मा तुझे उपलब्ध हो जाए, लेकिन तू ये बता क्या तू अपने प्रेमी में कोई कमी देखना चाहती है? हम अपने प्रेमी में तो देखना चाहते हैं वफादारी भी हो, पूर्णता भी हो, 24 घंटे भी हमें दे, हमारे लिए सब कुछ हो, उससे तो हम पूरी की उम्मीद करते हैं, लेकिन परमात्मा की हम पूरे नहीं होना चाहते।
तो बात यह है कि लेकिन अब परमात्मा के लिए पूरे होने का मतलब यह नहीं है कि उसी के चरणों में बैठ जाओ मूर्ति पकड़ के। अगर परमात्मा का एक अंग जो है वो मस्तक है तो एक अंग उसके पैर है, एक अंग उसकी बाहें हैं, कर्म के रूप में वो तुम्हें परिवार देता है, समझ के रूप में तुम्हें जो है वो गुरु देता है, लेकिन हर एक के साथ पूरा होना पड़ेगा। कबीर एक बात कहते हैं, कबीर की ही मिसाल दी जाती है, जब ये दिया जाता है कि कबीर थे जो घर में रह के पा गए, लेकिन कैसे पाए, कबीर का सूत्र कोई नहीं बताता। कबीर का सूत्र मैं बताता हूं, कबीर का सूत्र बिल्कुल सिंपल है कि सहज शून्य में रहे समाना सहज समाधि लागे, सुरति निरति से मेला करके अनहत नाद जगावे, उनका यही सूत्र है। वो कहते हैं कि शहर शून्य में रहे समाना, वो कहते हैं ऐसी अवस्था में जाओ जहां पे तुम्हें किसी भी चीज की विचार ना रहे, सहज समाधि लागे। सुरति निरति उन्होंने जो बात कही, सुरति निरति ऐसी होती है कि कर्म और अकर्म। अब हालत यह है कि जब आदमी पूजा करता है तो वो कहता है हे भगवान मैं कर्म में पूरा नहीं हो पाता, मेरी पूजा छूट जाती है। जब कर्म में होता है तो वहां रोता रहता है। तो वो कहते हैं सुरति और निरति से मेला कर ले, जब तू ध्यान में हो तू ध्यान का आनंद जी, और जब तू कर्म में हो तो तू कर्म का आनंद जी। यदि दोनों में तूने मेला कर लिया, मेले का मतलब वो नहीं है चाट पकौड़ी वाला, मेले का मतलब जोड़, दोनों को जब दोनों चीजों को तुमने साध लिया सहज समाधि लागे। ये बहुत सिंपल टेक्ट है। तो आपको अगर आप ध्यान के लिए समय देते हो उसको प्लेजर में लेते हो तो वो तब तक परिपूर्ण नहीं होता जब तक आप कर्म में भी प्लेजर लेना नहीं जानते। फिर दूसरी भूल होती है, वो बहुत से लोग कर जाते हैं जिनको थोड़ा बहुत भी ज्ञान और आनंद आने लगता है, उनकी भूल ये हो जाती है कि उन्हें सब दुष्ट नजर आने लगते हैं, वो सोचते हैं सब दुष्ट हैं इनको भी सुधार दें। ये दूसरी भूल होती है और ऐसे में वो अपने नियम थोपते हैं और उन्हें जो आनंद मिला होता है वो उसी अहंकार में खो जाता है। इसलिए जरूरत यह है कि तुम्हें आनंद मिला ये ठीक है, लेकिन दूसरे दुष्ट नहीं है, दूसरे प्यारे हैं, कहीं भूल कर गए तो उन्हें सहयोग करो, उन्हें डांटो नहीं। ये ढंग है, वो ढंग नहीं मालूम, इसीलिए अक्सर आदमी आनंद पा जाता है फिर खो देता है। छोटे छोटे आनंद तो सबने पाए लेकिन खो जाते हैं।